इधर की इधर हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा। पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान ने बॉर्डर पर दो खौफनाक साजिश रची, पर दोनों जगह पर उसे मुंह की खानी पड़ी। पहली साजिश पंजाब बॉर्डर पर रची गई, जिसमें पाकिस्तान ने 5 घुसपैठियों को भारत में भेजने की कोशिश की गई, लेकिन अफसोस कि 5 के 5 बीएसएफ की बहादुरी की भेंट चढ़ गए। दूसरी साजिश कश्मीर बॉर्डर पर रची गई, पर वहां भी पाकिस्तान को धूल चाटनी पड़ी। पाकिस्तान की सरजमी पर कदम रखने की कोशिश की, नतीजा सामने है। गिन लीजिए, पूरी 5 लाशें हैं, सब के सब पाकिस्तानी घुसपैठिए। इनके पास से मिले हैं कई घातक हथियार और ड्रग्स की खेप, जिन्हें लेकर ये घुसपैठिए रात के वक्त बीएसएफ की आंखों में धूल झोंककर पंजाब में घुसने की कोशिश कर रहे थे। वाकया पंजाब के तरन तारण का है, जहां भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अवैध तरीके से दाखिल होते वक्त इन घुसपैठियों को बीएसएफ के जवानों ने ढेर कर दिया। खालड़ा के पास बॉर्डर आउटपोस्ट पर घुसपैठ की कोशिश की गई। शुक्रवार आधी रात को संदिग्ध घुसपैठियों की हलचल देखी गई। बीएसएफ की 103 बटालियन की डल पोस्ट पर यह एनकाउंटर हुआ। बीएसएफ के जवानों ने जब इन घुसपैठियों की आहट सुनी तो फौरन मोर्चा संभाल लिया। हलचल दिखने पर घुसपैठियों को चेतावनी दी गई, पर उन्होंने रुकने की बजाय फायरिंग शुरू कर दी। ये घुसपैठिए फायरिंग करते हुए भागने की फिराक में थे, पर बीएसएफ के जवान पूरी तरह सतर्क थे। जवाबी फायरिंग शुरू हुई और इस एनकाउंटर में सभी 5 घुसपैठिए मौके पर ही ढेर कर दिए गए। अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके इंडियन टेरिटरी में प्रवेश किया। टोटल 5 बॉडी मिली, 5ों में आप जैसा देख रहे हैं, एक के पास एके राइफल और बाकी 4ों के पास ये पिस्टल थी। पिस्टल बरेटा पिस्टल है, अच्छी पिस्टल है। और एक के पजेशन में 5 पैकेट मिले और दूसरे के पजेशन में 4 पैकेट मिले। टोटल अराउंड 9.5 किलोग्राम के आसपास की हेरोइन का सीजर है और 5 बॉडी रिकवर हुई है, जो हम अभी पुलिस को हैंड ओवर कर रहे हैं और पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। इसमें 2 मोबाइल फोन भी मिले हैं। शुक्रवार आधी रात से शुरू हुआ ये एनकाउंटर शनिवार सुबह 5:30 बजे तक चलता रहा। दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग होती रही। इस दौरान एक एक कर घुसपैठिए ढेर होते रहे, पर रात का वक्त होने की वजह से बीएसएफ जवानों ने सुबह होने तक का इंतजार किया। पौ फटते ही सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। बीएसएफ ने पूरे इलाके की नाकाबंदी की और घुसपैठियों की तलाश शुरू की तो 5 शव बरामद हुए। इनमें से 3 घुसपैठियों की बॉडी फेंसिंग के पास मिली, जबकि 2 घुसपैठियों की लाशें कुछ दूर खेत में बरामद हुई। उनके पास से 1 AK-47 राइफल, 4 पिस्टल और करीब 150 गोलियां, साथ में 10 किलो हेरोइन के 9 पैकेट बरामद हुए। इसके अलावा उनके पास से 2 मोबाइल, पाकिस्तानी सिम कार्ड और पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद हुई। जाहिर है, एक तरफ AK-47 जैसे घातक हथियार और दूसरी तरफ ड्रग्स की खेप। ऐसे में ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये तस्कर थे या आतंकी। पर पंजाब बॉर्डर से सटे इलाकों में बीएसएफ और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। इस मामले में बीएसएफ पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ एक मीटिंग पर विचार कर रही है, ताकि मारे गए घुसपैठियों का पूरा सच सामने आ सके। पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर तक पाकिस्तान की नापाक साजिशों का सिलसिला जारी है। कहीं घुसपैठ की कोशिश तो कहीं आतंकी हमला। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया, लेकिन पूरी तरह सतर्क जवानों ने हमले को नाकाम करते हुए आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया। बताया जा रहा है कि बारामूला के सलूसा इलाके में 3 आतंकी छिपे हुए थे। खबर मिलने पर CRPF और SOG ने ऑपरेशन शुरू किया। दोनों तरफ से काफी देर तक फायरिंग हुई, जिसमें एक आतंकी मारा गया। बता दें कि बारामूला में ही 17 अगस्त को आतंकी हमले में सुरक्षा बल के 3 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद से
दहशतगर्दों के खात्मे के लिए बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। मकसद साफ है, पाकिस्तान के पालतू आतंकियों का चुन चुन कर खात्मा करना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।